जिनकी जैसी सोच है ना, गंदी सोच, पूरी सोच, वो बदलनी चाहिए। हम ऐसे सोच के बदलाव नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, हम ऐसे बैठने वाले नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लगे हुए हैं सब, ऐसा नहीं है, आप भी लगे हो ना हमारे साथ। हमने धन लगा पाए ना, क्यों? कोई विषय ऐसा है कि सब जगह जाए और जो सो रहे हैं कम से कम जागे और किसी पर भी अत्याचार ना होने पर। जिनकी मानसिक बुद्धि खराब है ना, मैं कहता हूँ मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, मतलब ये समाज में विक्षिप्त है, मानसिक रोगी है। ऐसी मानसिक रोगियों को जेल में बंद करो, सख्त कार्रवाई होगी। नाम बताइए और यहाँ पर जो इंद्र मेघवाल के लिए आप लोग इतना लेट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका भी कारण बताइए। देखो जी, ऐसा मैं डॉक्टर मनोज कुमार केन हूँ और डीएवी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और ये आप जो कह रहे हैं कि ये जो हम कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लगातार जिस तरह के ये कुकृत्य और अमानवीय अत्याचार जो हो रहे हैं एक समाज पर, एससी एसटी ओबीसी के ऊपर, तो उन जो लोग ऐसे चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं या ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो और उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि कोई दूसरा ऐसे कुकृत्य करने से पहले सोचे। कार्रवाई होगी, वहाँ पर सभा की जाती है, 3600 बिरादरी इकट्ठा होती है और इसके बाद में तालियां बजाता डीएम। और देखो जी, आपको मैं एक चीज मैं आपको बताऊं कि ऐसा है कि इस तरह की चीजें तो देखो होंगी, जब हम कुछ अपनी बात अगर ऐसा रखेंगे तो कुछ इस तरह के तत्व हैं समाज में, देश में, राष्ट्र में। ताली बजाएगा उसी का पैसा लेता हो, उन पर देखो जो ऐसा करता है, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो, कुछ भी है, अगर ऐसी घटनाओं के को होने के बाद अगर वो जाकर के उनका पक्ष करता है तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब हमारा सिर्फ जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, हमारा उनका कड़ा विरोध है, चाहे वो कोई भी समाज का कर रहा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो मतलब कुछ भी ऐसा व्यक्ति। देखो अत्याचार ऐसा है, आप क्या दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो दलितों पर अत्याचार हो तो उसके तो विरोध में हम यहाँ पे खड़े हैं ना, बैठे हैं ना, यहाँ पे हम बैठे हैं, खड़े हैं कि हमारा आप जो है दलितों पे अत्याचार हो रहा है, उसी के विरोध में एससी एसटी ओबीसी समाज का प्राध्यापक वर्ग, सारा बुद्धिजीवी वर्ग, ऐसा संगठन सीएचडी जिसमें कि हम पढ़े लिखे लोगों की पूरी जमात जुड़ी हुई है, वो उसका भरपूर जो है विरोध कर रहा है, करता रहेगा। अगर हमें बिल्कुल रास्ता पकड़ा जाएगा, हम इसके लिए जो भी अगर अपनी जो कार्रवाई संवैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे हम अपनी तरफ से। कोई लिखने पढ़ने की मानसिकता में देखो, मैं सुधार ऐसे आएगा, मैं बताता हूँ ऐसे आएगा मानसिकता। देखो जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, इसमें देश के कोने कोने से विद्यार्थी पढ़ने आता है और देश के कोने कोने से प्राध्यापक यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो मतलब कोई केरल से है, कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बिहार से है, राजस्थान से, तमाम प्रदेशों से हैं। हम उनको जैसे जब तक कि वो अपनी सोच बदल करके और जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी इसी सोच के साथ तैयार करे कि सब एक हैं और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि किसी भी इंसान का नुकसान हो, किसी पर कोई अटैक ऐसा ना हो जिससे कि उसकी भावना, संवेदना, फिजिकल या किसी प्रकार से घटना को अंजाम एक टीचर। अब मैं अब आपको एक चीज बताऊं, जैसे बदलाव कैसे आएगा, बदलाव एक तरीके से आएगा। हम समानता की बात कर रहे हैं, समरसता की बात कर रहे हैं, हमें समभाव की तो बात कर रहे हैं, हमें मम भाव की बात करनी पड़ेगी। मम भाव का मतलब ये होता है कि सारे एक दूसरे से, सारे लोग ये कहें कि जो हम सब एक दूसरे, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, हमें समरसता भी चाहिए, समानता भी चाहिए, ममत्व भी चाहिए, मेरा वाला भाव। जैसे एक माँ होती है ना और माँ के जैसे 5 से बेटे होते हैं, वो सबको कहते हैं ना ये भी मेरा, ये भी, ये मेरा, ये भी मेरा है। एक के साथ तो ये नहीं कहते ना कि ये मेरा नहीं है, ये भाव आना चाहिए कि सारे सारे हमारे हैं और हम इनके हैं, ये भाव आना चाहिए। राज्यों में घटना हो रही है, कोई सरकार इस पर कड़ा एक्शन नहीं ले रही। देखो ऐसा है, जिसके जो जिसके परगु में आता है उसको वो काम करना चाहिए। हमें लगा प्राध्यापक वर्ग को कि भाई पढ़े लिखे लोगों को भी हमें ये करना है तो हमने किया, और जो वो नहीं कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, जनता उनको भी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता से बड़ा कोई ना है और ना कोई होगा। और ये डेमोक्रेसी भी बाबा साहब के
द्वारा दी गई है और बाबा साहब जिनके लिए लड़े आज पढ़ा लिखा वर्ग उन्हीं लोगों के लिए लड़ने के लिए बैठा है। आपको नहीं लगता जहां इस मानसिकता के टीचर हैं शिक्षा का उन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। उन पे मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि जैसे अगर मानसिकता वाले लोग हैं चाहे वो किसी भी जाति धर्म क्षेत्र के हैं उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। एक्शन का रूप अलग अलग हो सकता है, आप स्कूल बंद हो जाएं या उनको टर्मिनेट कर दें या उनको नौकरी से निकाल दें या उन पर सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो ना तो आप बच्चे को छोड़ रहे हो ना महिला को छोड़ रहे हो, ठीक है। अब एक चीज़ और मैंने बताया मन से कि कोई अगर बड़ा वॉइस कोई किसी समाज का व्यक्ति अगर किसी प्रधान को अगर कोई मान लो अगर राम राम नहीं कर रहा तो क्या उसकी पिटाई करोगे आप? मुजफ्फरनगर में हुआ, बिल्कुल मैं तो खुद आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप साफ कर दीजिए जो मेन वजह है जाति है ना कि धर्म है, बाबा साहब ने आखिरकार में बौद्ध धर्म का रास्ता अपना लिया था। देखो आप जो कह रहे हैं मैं आपको एक चीज बताऊँ, आपको मैं एक घटना और बताता हूँ, क्या तो मैं आपको भेज दूंगा अभी समाधान। मैंने कहा ना समाधान तो देखो एकदम से कोई परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन धीरे धीरे करके आता है। और मैं फिर मान रहा हूँ कि ऐसे अगर हम सारा अपना कार्रवाई, मैंने कहा जो जिस कैपेसिटी में इस वर्ग का व्यक्ति है उसे वो काम करना चाहिए। अगर कोई मान लो कानून के पद पर बैठा है तो वहाँ उसको करना चाहिए। हम प्राध्यापक हैं, हम सारे विश्वविद्यालय में एक संदेश दे रहे हैं। देखो वो आप जो कह रहे हैं विश्वगुरु बन पाएगा, भारत तो विश्वगुरु था, बीच में इस तरह की चीजें आप जानते हैं, पहले विश्वगुरु था भारत, बीच में ऐसी कुछ चीज, देखो बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। हम ये सोच के बैठ जाए बदलाव नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा, हम बदलने की मुहिम में तो काम कर रहे हैं हम सब, आप लोग मीडिया वाले, हम क्या कर रहे हैं घोड़ी पे चढ़ने पर, मूंछ रखने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर हत्या करने। देखो आप ऐसे तो आप ये कह दें कि बदलाव नहीं आ रहा और हम सारी चीजें छोड़ के बैठ जाएं तो ये भी तो नहीं चलता ना। हमें लगातार प्रयास करना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आप मीडिया वाले खड़े हो ना, इस चीज को लेके आ रहे हो ना, क्यों लेके आ रहे हो कि जनता जनता तक जाए और जिनकी जैसी सोच है ना, गंदी सोच, बुरी सोच, वो बदलनी चाहिए। हम ऐसे सोच के बदलाव नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, हम ऐसे बैठने वाले नहीं हैं और आपको भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसी घटना कहीं होती है आप जाकर के जैसे यहाँ आए हैं इन मुद्दों को उठाएं, आप अपना कर्म करें, हम प्रोफेसर हैं हम अपना कर्म करेंगे। सरकार अपना काम करती रहे वहाँ पर जाकर, सरकार भी सरकार को भी करनी चाहिए। देखो सरकार अब आप एक बात सुनो, हम सरकार नहीं है ना, हम सरकार का एक इकाई है और इकाई क्या है कि हम जो है एक वोटर है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो जैसा कर्म कर रहा है अगर वो अपने कर्म से हटता है या कर्म सही नहीं कर रहा तो जनता न्याय करती है। लेकिन सर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए आयोग का गठन, मैंने देखो आपसे कहा एक बात अभी, मैंने कहा कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पहले भी नियम कानून है, बाबा साहब ने इन पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अगर नहीं रुक रहे तो सारी सरकारों को सारे लोगों को बैठ करके सोचना चाहिए कि कुछ ऐसे नियम कानून और सख्त बने कि कम से कम कोई कार्रवाई कर ऐसा कुकृत्य करते हुए वो कम से कम सोचे। आयोग नजर नहीं आते ऐसी घटनाओं को जब आती है देश में। फिर मैंने आपसे क्या कहा, मैं बार एक बार कह रहा हूँ आयोग का विषय आप आयोग वालों से बात करेंगे। कानून कौन बनाएगा, कानून बनाने वाले तो वही लोग। देखो आयोग आयोग अपना काम कर रहा है, आप आयोग आयोग से बात कीजिए, आयोग बताएगा वो क्या। हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, नजर नहीं आता ना सर, वो नजर नहीं आता। देखो ऐसा नहीं है कि कोई नजर नहीं आ रहा तो काम नहीं कर रहा। मान लो मैं अगर यहाँ जो आदमी प्राध्यापक नहीं बैठे धरने प्रदर्शन में, क्या अपना काम नहीं कर रहे? यहाँ ना बैठने वाले बहुत अच्छा कोई लिख रहे होंगे, कहीं कुछ पढ़, कहीं पर अपना कुछ इंटरव्यू दे रहे होंगे, कहीं पर इस घटना के लिए कुछ आगे से अपनी कार्रवाई करवा रहे होंगे, कोई सोशल मीडिया पे लिख रहा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लगे हुए हैं सब, ऐसा नहीं है, आप भी लगे हो ना हमारे साथ, हमने धरना लगा पाए ना, क्यों? कोई विषय ऐसा है कि सब जगह जाए और जो सो रहे हैं कम से कम जागे और किसी पर भी अत्याचार ना होने पर। सर हम उस भारत देश में रहते हैं जिसके प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन ये घटनाएं उसी समाज के साथ बार बार हो रही हैं। अब आप ये मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो आप बात कर रहे हैं ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो नहीं कहते ना ये करो, लेकिन उनको जो कर रहे हैं ना उनको सोचना चाहिए, उन्हीं को सोचना चाहिए, उन्हीं को सोचना चाहिए जो लोग करते हैं ना, करने से पहले उन व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। कोई किसी को ऐसा गलत काम करने के लिए कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता कोई कहता है, ठीक है, लेकिन जिनकी मानसिक बुद्धि खराब है ना, मैं कहता हूँ मानसिक विक्षिप्त लोग हैं,
मतलब ये समाज में विक्षिप्त है, मानसिक रोगी है, ऐसी मानसिक रोगियों को जेल में बंद करो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोहरे मापदंड की राजनीति खेली जा रही है। देखो हमने फिर क्या, मैं आपसे कहूँ राजनीति खेली जा रही है, ये हो रहा है, ये तो आप सब लोग एनालिसिस करके बताएं क्या हो रहा है। हम तो सिर्फ अपना धर्म निभा रहे हैं शिक्षक नाते, इसलिए हमने ऐसा आयोजन किया है और हम इस मुहिम को आगे चलाएंगे। हमें कहीं जाना मिला, जानने को मिलेगा, हम जा करके अपना मेमोरेंडम दिया, पत्र देंगे, जो भी करना हम आगे करेंगे। हम ठहरने वाले नहीं हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ ये सर थे, उन्होंने बताया किस तरीके से जाति धर्म को लेकर लगातार जो घृणा वाले ये दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके चलते ये आज शिक्षक गणों का यहाँ पर एक मंच सजा और यहाँ पर जो है रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस तरीके का मंच लगाया गया जिसकी इन्हें परमिशन मिल नहीं रही थी, लेकिन आज जब परमिशन मिली तो आज ये खुलकर सामने आए और कह रहे हैं कि इस तरीके का रोष प्रदर्शन रुकेगा नहीं, आगे भी हमें ज्ञापन देना पड़ेगा, तो हम आगे ज्ञापन देंगे और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे समाज के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली विश्वविद्यालय।